नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम की ब्यूटी टिप्स के साथ मैं हूँ नादिया। विंटर्स हो या समर्स, धूप हर मौसम में आपको टैन कर सकती है। अगर आप भी सन टैनिंग का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आज हम आपके साथ सिंपल सा टू स्टेप प्रोसेस शेयर कर रहे हैं, जिसको इस्तेमाल करके आप धूप को एंजॉय करने के साथ साथ अपनी स्किन को टैनिंग से भी महफूज रख सकते हैं। स्टेप नंबर 1, एक छोटे साइज का आलू लें और इसे कद्दूकश कर लें। इसके बाद स्ट्रेनर या मलमल के कपड़े की मदद से इसका रस निकाल लें। अपने चेहरे को वॉश करें और इस रस को अपने चेहरे, गर्दन और आंखों के गिर्द अच्छी तरह से अप्लाई कर लें और 10 मिनट तक लगा रहने दें। स्टेप नंबर 2, एक स्मॉल साइज कंटेनर लें और इसमें 1 टेबलस्पून दही ऐड करें। अब इस दही में 1/2 टेबलस्पून बेसन और 1 टीस्पून कस्तूरी हल्दी शामिल करें। इसके बाद 2 से 3 ड्रॉप्स लेमन जूस शामिल कर दें और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इस पेस्ट को अपने चेहरे और गर्दन पर लगा लें और 15 मिनट तक लगा रहने दें। 15 मिनट के बाद आप अपने फेस को वॉश करें और कोई सा भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करें और आखिर में सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। सेकंड स्टेप करने से पहले आपने अपने फेस को वॉश नहीं करना, बल्कि स्किन पर लगे आलू के रस के ऊपर ही आपने पेस्ट अप्लाई कर देना है। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप किचन में इस्तेमाल की जाने वाली हल्दी का सिर्फ 1 पिंच इस पेस्ट में शामिल कर सकते हैं। कस्तूरी हल्दी का कोई कलर नहीं होता, इसलिए पेस्ट में हम इसकी ज्यादा मिकदार शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये हमारे स्किन पर मौजूद डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और सन टैनिंग को रिमूव करती है, बल्कि इसके साथ साथ स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करती है। अगर आपको लेमन जूस से एलर्जी है तो आप इसे पेस्ट में से स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह टोमेटो जूस भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो ये 2-स्टेप प्रोसेस वीक में एक बार जरूर इस्तेमाल करें और मौसम को एंजॉय करने के साथ साथ अपनी स्किन का भी ख्याल रखें। ये तो थी आज की सिंपल सी टिप। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगेबान। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।